हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दिवाली स्पेशल खोया की गुजिया की रेसिपी। ये मैंने एक कटोरी पिसी हुई चीनी ली है, नारियल का बुरादा, 500 ग्राम खोया यानी कि मावा, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, बादाम और पिस्ता। पिस्ता और बादाम को मैंने बारीक कट कर लिया है। ये यूपी स्टाइल गुजियाएँ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। गैस को ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पर खोए को 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। मावा को 4 से 5 मिनट तक भूनना है। इस तरह भूनने से आपकी गुजिया ख़राब नहीं होंगी। मावा अच्छे से भुन गया है और इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मावा अब ठंडा हो गया है, इसमें से हम थोड़ा सा डो लेके एक प्लेट में ले लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डालेंगे, बादाम जो मैंने टुकड़ों में कट करे थे, पिस्ता वो भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था, और हाफ टी स्पून में से आधी हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और आधी हम रोक लेंगे, और थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और अब दूसरे वाले खोए के अंदर हम जो बाकी का बचा नारियल का बुरादा है वो डाल देंगे, और इलायची पाउडर जो बचाया था मैंने, और इसके अंदर हम शुगर पाउडर डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी गुजिया बना लेंगे। ये मैंने एक सांचा लिया है, उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। मावा को इसके अंदर भर दें दोनों साइडों से। अब इसके अंदर मैंने जो ऑरेंज वाला डो बनाया था उसको रखकर और दोबारा से मावा इसके ऊपर फिर से लगा के गुजिया बनाएं। इसी तरीके से सारी गुजिया बना के तैयार कर लें। गुजिया खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। आप भी ज़रूर घर में एक बार ट्राई करें और इसे बनाएं। गुजिया बनके तैयार हैं। मैंने इसे पिस्ते से डेकोरेट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।